नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में स्कंद माता की कथा सुनाऊंगी। इनका नाम ये क्यों पड़ा और इनकी क्या कथा है, इनका स्वरूप कैसा है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता को समर्पित है। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना का विधान है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं, वह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। माता के चार हाथ हैं, दो हाथों में कमल के पुष्प, एक हाथ से माता आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में है और उनके एक हाथ में स्कंद भगवान को धारण किए हुए हैं। स्कंद नाम कार्तिकेय जी का है, क्योंकि कार्तिकेय जी का जो सर है, जो शीश है, वह छह है, इसीलिए उनका नाम स्कंद है। और माता स्कंद माता होने के कारण और माता का यह स्वरूप स्कंद माता के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि कार्तिकेय जी की माता पार्वती हैं, इसलिए कार्तिकेय जी की माता होने के कारण और कार्तिकेय जी के छह शीश होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। आइए सुनते हैं एक छोटी सी सुंदर सी कथा स्कंद माता की। जब माता सती ने अपना देह त्याग दिया, माता सती के देह त्यागने के बाद भगवान शंकर योग समाधि में चले गए और इधर एक राक्षस हुआ जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मदेव की तपस्या की और ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तब उसने यह वरदान मांगा कि वह अमर हो जाए, उसे कोई ना मार सके। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अपना वरदान किसी और ढंग से मांगना होगा, क्योंकि जो संसार में आया है उसकी मृत्यु तो होगी ही। तभी तारकासुर ने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही हो, शिव पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, मुझे कोई और इसके अलावा ना मार सके। क्योंकि तारकासुर जानता था सती ने अपना देह त्याग दिया है और भगवान शिव योग समाधि में चले गए हैं, इसलिए शिव पुत्र तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता। यह सोच के तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा। वरदान मिलते ही उसने हाहाकार मचा दिया। संसार पर उसने अत्याचार किया और देवताओं पर भी अत्याचार किया। देवता दुखी होकर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव के पास गए। उन्होंने सबसे अपनी समस्याएं बताई कि तारकासुर संसार पर अत्याचार कर रहा है और उसने स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर लिया है और उसका वध शिव पुत्र के अलावा कोई और नहीं कर सकता। तब भगवान विष्णु ने बताया कि चिंता मत करो, माता शक्ति यानी कि सती का दूसरा अवतार हो चुका है, जो कि पार्वती रूप में पर्वत राज हिमालय के घर हुआ है और उनकी शिव में अति प्रीति है। और कहा कि माता पार्वती को भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है और नारद जी को माता पार्वती के पास भेजा गया। नारद जी ने माता पार्वती को कहा कि वह भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करें और माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। माता पार्वती और भगवान शंकर को यह बात पता थी कि तारकासुर को केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, इसीलिए दोनों ने अपनी ऊर्जा से एक ऊर्जा पुंज को प्रकट किया जो कि बहुत ही ताप युक्त था। के बाद माता पार्वती एक नदी में बदल गई और अग्नि देव को उस ताप के गोले को अपने पास लेकर आने को कहा ताकि वह शीतलता के साथ उनका पालन पोषण कर सके। अग्नि देव भी उनके इस ताप को सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस गोले को गंगा माता को समर्पित कर दिया। वहां से वह ताप का गोला छह भागों में विभाजित हो जाता है और जो छह कृतिकाएं स्नान कर रही थी उनके गर्भ में चला जाता है। बहुत अधिक ताप होने के कारण वह कृतिकाएं कुछ समय उन्हें अपने गर्भ में रखती हैं, फिर वह उनको अपने गर्भ में नहीं रख पाती। फिर माता पार्वती उन छह तेज पुंजों को एक साथ जोड़ देती है और उनका पालन पोषण करती है, जिससे वह छह सिरों के एक पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। कृतिकाओं के गर्भ में रहने के कारण इस पुत्र का नाम कार्तिकेय रखा गया और इनके छह सिर होने के कारण इनका नाम स्कंद हुआ और माता पार्वती इनकी माता हुई, इसीलिए माता पार्वती का नाम एक स्कंद माता नाम भी पड़ा। तो ये थी कथा स्कंद माता की। यह बहुत ही तेजस्वी पुत्र हुए, बहुत ही शक्तिशाली हुए और बहुत ही ज्ञानवान भी हुए। तारकासुर का वध करने के लिए माता पार्वती ने ही इन्हें प्रशिक्षित किया।
ने पूर्ण युद्ध कला सिखाई और भगवान कार्तिकेय को देव सेना का सेनापति बनाया। इस प्रकार तारकासुर का वध हुआ। ये थी कथा स्कंद माता की। जो भी स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें तेजस्वी, बुद्धिमान और शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होती है, जो के संसार में विख्यात होता है। स्कंद माता बहुत ही दयालु और सौम्य है। इनसे जैसी जो कामना करता है उसकी वैसे ही मनोकामना माता पूर्ण करती है। तो ये थी कथा स्कंद माता की। इसी प्रकार व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हमारे हिंदू शास्त्रों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, मंत्रों के बारे में उपाय बहुत सारे, ये सब मैं आपको देती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।